हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तोरण। इसे बनाने के लिए धागा, रिंग, लटकन, मोती, सीजर, इंची टेप, लाइटर। रिंग 2 इंच की 2, धागा येलो कलर 3 लच्छी, रेड 1 लच्छी। मोती हमने 2 कलर में लिए हैं, ये हमें 500 500 ग्राम दोनों लगेंगे। लटकन भी हमें 2 कलर के चाहिए, रेड भी और ये भी, ते हमारे 150 150 ग्राम हैं। रिंग लेंगे, इसके लिए हमने धागे काटे हैं, ये 6। एक धागा हमारा 8 मीटर का है, ठीक। इसको ऐसे करके डबल फोल्ड कर लिए, ये ऐसे इस रिंग में फंसाएंगे इसको ऐसे। इसी तरह हम सभी धागे फंसा लेते। ये देखिए जैसे फंस गया। अब इधर से हम ये 4 धागे हो गए, ठीक। बीच में 2 करेंगे, एक किनारे वाले ये ऐसे, ये वाला यहां से। फिर सेम इधर से रखेंगे, ये वाला यहां से। ये हमारी स्क्वायर नॉट है, एक लग गई। फिर इसे छोड़ के फिर लेंगे ये 4, ये ऐसे, ये यहां से। ये देखिए, फिर उसे छोड़ दिए, फिर अगला ले लिए। ये देखिए हमारा 1 राउंड हो गया, एक इस गांठ का, एक इसका, लेके एक हम मोती डालेंगे। ये देखिए इधर हम रेड डाल रहे हैं। फिर एक एक और लेके इसमें भी स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए, फिर इधर बीच में देखिए, एक एक ले लिए, इसमें हम ग्रीन डालेंगे। फिर इसमें स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये देखिए, ठीक। अब हम इधर के 2 धागे लेके इसमें स्क्वायर नॉट, इस बार हम मोती नहीं डालेंगे। 1 राउंड में हमें मोती डालना है, जब हमारी 2 गांठ रहेंगी तब मोती नहीं डालना है, ठीक। इसी तरह हम इसे बनाएंगे, हमारे डोर की जितनी भी चौड़ाई होगी उतना। इसको हम बना रहे हैं 46 इंच। यहाँ से इसको नापेंगे तो हमारा 46 आना चाहिए, तब तक हम सेम बना लेंगे। ये देखिए, अब इस राउंड में फिर मोती लगेंगे। ये देखिए फ्रेंड, इतना बना लिए इसके, ठीक। अब हम ये वाली रिंग लगाएंगे। तो ये देखिए, एक धागा छोड़ के फिर बनाएंगे इसको, ये ऐसे नीचे से, ये ऐसे फंसा दिए, ठीक। फिर इसको ऐसे रख के ये ऐसे, जिससे हमारा ऐसे लूप बन जाए। यहां से निकाल ले, फिर इसके बीच से निकाल ली, फिर इसको ये ऐसे। ये देखिए, इनको ऐसे करें, ये सभी धागे 4 धागे लेके हम एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे ये ऐसे। ये देखिए जैसे हो गए,
ये धागे हम यहीं कट करके यहीं चिपका देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये धागा हम लेंगे, ये हमारा 8 मीटर का ये भी है, इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लिए। हम एक में बता रहे हैं पहले, फिर बाद में बता। ये देखिए, ये ऐसे अलग करके लटकन डाल दिए। ठीक, ये हमारा सेंटर हो गया। फिर इसमें मोती डालेंगे एक, ये ऐसे, इसको ये ऐसे। ठीक, ये देखिए, इसको ऐसे रखे, ये यहां से निकाले, एक हो गया। फिर अब इस हाथ से रखेंगे, ये दो हो गया, फिर तीन, चार, फिर पांच, छह, सात, आठ, नौ, ये 10। ठीक, अब एक मोती लेंगे, इसको ऐसे डाल दिए। ठीक, ये देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, इसको इधर से डालेंगे, ये ऐसे, ये मोती हमारा ऐसे हो गया। फिर ये बनाएंगे जैसे हमने ये बनाए थे, तो इसमें हम 10 गांठे फिर से लगाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने एक मोती डाला, इसी तरह हमें 23 मोती डालना है। इसमें हम पूरा नीचे तक बना रहे हैं, जैसे हम ग्रीन वाले मोती से 5 बनाएंगे, तो इसके 6 बनाएंगे, और इक्वल बनाना। जैसे हमने 10 डाले थे ये गांठ, तो 10 ही लगाएंगे, फिर मोती लगाएंगे, इसके बाद फिर शुरू करेंगे 10 गांठ। इसी तरह हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, 21 मोती इधर है, जैसे 1 2 3 ऐसे, और 21 इधर, ये हमारा सेंटर निकला है यहाँ पे। ठीक, ये देखिए, जैसे एक हमने ये लिया, इनमें हमारे 32 मोती लगे। ठीक, इसको यहाँ रखेंगे, हम इसे सेंटर से ही फंसाएंगे। एक राउंड, फिर एक राउंड और निकाल देंगे। ये देखिए, ठीक, इसी तरह इसे भी। जैसे एक धागे फंसाए हैं, इसी तरह हम सभी फंसाएंगे। अब जैसे ग्रीन फंसाए, इसके बाद हम रेड फंसाएंगे। एक ये वाला लूप छोड़ के इसमें फंसाएंगे। फिर इसको यहाँ इसे छोड़ के, अब यहाँ भी हम रेड फंसाएंगे, फिर इसके बाद ग्रीन फंसाएंगे दोनों साइड। इसी तरह हम सभी फंसा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये हमारे सभी ज्वाइंट हो गए हैं। इसको हम जैसे पहले बना रहे थे, इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे,
ये गांठ लगा देंगे। ठीक, अब ये सभी धागे हम कट करेंगे, इतने इतने। ये ऐसे करने के बाद इनको ऐसे अच्छे से करके ऐसे चिपका देंगे। ये हम ध्यान रखेंगे कि इनको लगाएंगे जब तो सभी उल्टे साइड लगे। ये देखिए, हमने हमारे ये रेड वाले 8 लगे हैं, ग्रीन वाले 7 लगे हैं। ठीक, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा तोरण या पर्दा कंप्लीट है।